स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले क्या था कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लिया गया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये भी देख लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जैसे वहाँ पर जिस ऑर्डर में पढ़े थे यहाँ भी उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले किससे पढ़ेंगे बताइए, ऑक्सीजन से, फिर वाटर से, और देखेंगे कि यहाँ रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, किस कंडीशन में नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा था तो पूरे मेटल को हम लिख कर यहाँ दिखाए थे, तो वो मेटल की एक्टिविटी सीरीज लिखे थे यहाँ पर। लेकिन नॉन मेटल की कोई एक्टिविटी सीरीज नहीं होती है। नॉन मेटल क्या होती है, जैसे नेचर में जो गैसें हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, तो जितने गैसें हैं सबके सब नॉन मेटल हैं। तो पहला लिखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन व्हेन कार्बन बर्न इन एयर। पहले लिखेंगे इसमें ए पॉइंट, व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, बर्न्स इन एयर, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। याद रखना कि इसमें एयर की यहाँ पर चाहिए सफिशियंट एयर होना चाहिए, एयर का अमाउंट सफिशियंट होना चाहिए कि बन जाए। अगर एयर का सप्लाई इनसफिशियंट है तो वहाँ पर यही कार्बन इस एयर में प्रजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्योंकि एयर में कौन प्रजेंट है, ऑक्सीजन प्रजेंट है। तो ऐसे भी सकते हैं कि कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में बर्न करेगा मतलब ऑक्सीजन से बर्न करेगा, जलेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर एयर का अमाउंट सफिशियंट होना चाहिए। अगर एयर का अमाउंट इनसफिशियंट सप्लाई कर रहे हो, एयर की मतलब ऑक्सीजन इनसफिशियंट दे रहे हो, तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा बर्न करके, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस गैस होगी। अभी देखेंगे उसको आगे, लेकिन याद रखना ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब रिएक्शन से कैसे लिखोगे, तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन बर्न करेगा एयर में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस बनेगा। अब ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर कार्बन को ले लेते हैं सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है गैस है। कार्बन मतलब क्या, जैसे कोयला है, कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, तो कोयले को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन में, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। अब कैसे होगा एसिडिक, तो अगर इफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ पर स्टेप देखो लिख रहे हैं, इफ CO2 गैस डिजॉल्व विथ वाटर, डिजॉल्व विथ वाटर, देन कार्बोनिक एसिड फॉर्म, देन कार्बोनिक एसिड फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे ही इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो CO2 प्लस H2O यहाँ पर तो क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है, H2CO3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड में है, H2CO3। तो इस तरह से आपका बन जाता है कार्बोनिक एसिड, इसको एक्वस में लिख देना, क्योंकि देखो यहाँ पर वाटर एक्वस मतलब क्या, लिक्विड बात करें तो केवल इसमें प्योर वाटर है, इसका मतलब ये होगा। अगर एक्वस एकलो एक्वस होता है, एक्वस का मतलब कि इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, तो गैसें भी लिक्विड में घुल जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप देखोगे क्या गैसें भी लिक्विड में घुल सकती हैं, हाँ घुल सकती हैं। जैसे आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वाटर से क्या कर, डिजॉल्व होकर के घुल करके बना रहा है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। या आप देखो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, तो उसमें देखोगे तो जो ऊपर से जो सील किया जाता है, जो ढक्कन होता है, जैसे उसको खोलते हो उसकी आवाज़ निकलती है, जो साउंड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ड्राई आइस के फॉर्म में अंदर रहती है, घुली रहती है। अगर वो निकल जाएगा तो उसमें जो आनंद है पीने में आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो गैस जितना अच्छे से घुली रहेगी उसका आनंद उतना ही आएगा उसको ड्रिंक करने में। तो क्या है कि जो गैसें होती हैं वो लिक्विड में भी घुली रहती हैं, और वही गैस जब बाहर निकलती है तो वो आवाज़ करती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर में घुलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा,
अब बताओ अगर ये वाटर में घुला तो एसिड बनाया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कैसा होगा? तब एसिडिक होगा। अगर ये वाटर के साथ घुल करके बेस बनाता तो बेसिक होता, लेकिन ये बेसिक नहीं होगा क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते थे। लेकिन वहां भी बात हम लोग पढ़े थे कि मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन लिखवाए थे कि मेटल के ऑक्साइड कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, और उस तरह के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आएगा ही, आप हमेशा के लिए नहीं बोल सकते कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी थे, मतलब बेसिक भी थे और एसिडिक भी थे। वैसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन इसमें क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है क्या ये हमेशा एसिडिक होगा? तो ये 95% तो सही है, लेकिन 5% सही नहीं है, क्योंकि 5% ये एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिडिक होंगे ना तो बेसिक होंगे, वो न्यूट्रल होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, वो न्यूट्रल होंगे, तो उसको हम अलग से नोट लिखवा देंगे। जैसे आपको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का अलग से नोट लिखवाए थे, उसका भी लिखवा देंगे। पूरी बात आपको हम बता रहे हैं, एकदम बहुत काम करेगा, समझ लो। बस ये देख के मत पढ़ो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है वो तो पूरा बताएंगे ही, लेकिन कुछ जानकारी रखा करो, तभी आप हर बच्चों से, जो अच्छे बच्चे हैं आप उनकी कैटेगरी में आ जाओगे और नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाओगे। क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग होकर काम करते हैं वहीं अच्छा कर ही पाते हैं, तो जो जानकारी उसके पास है वही इन्फॉर्मेशन आपके पास से अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए कुछ एडवांस सोच रखा करो, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब बात समझिए कि ये जो कार्बोनिक एसिड है, अगर यहाँ पर लिटमस टेस्ट करेंगे, इसको ले करके अगर हम लोग लिटमस टेस्ट करें, तो लिटमस टेस्ट में क्या पाएंगे कि ये क्या कर देगा? कार्बोनिक एसिड है तो एसिड क्या कर देगा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो क्या कर देगा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, या ऐसे लिख लो, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, ब्लू लिटमस टर्न रेड। नील लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्योंकि लिटमस टेस्ट अगर कराओगे तो ये जो एसिड है, तो इट इज एसिड क्या करता है, लिटमस ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसका देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो इसी एसिड के कारण, ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये भी बात याद रखना, एक जानकारी के लिए बता रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीटिंग इफेक्ट को पैदा करती हैं, हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, हीटिंग इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना इस समय है? 0.004% ऐसे समथिंग में है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड में देखोगे, कंट्री में तो बहुत सारे व्हीकल्स बन रहे हैं, तो व्हीकल्स जितने चलेंगे उससे स्मोक निकलेगा, और उस स्मोक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो अकेले पूरे वर्ल्ड में 25% कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है, एटमॉस्फेयर को भेजता है अकेले। क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति अगर देखो तो वहाँ पर हर एक आदमी के पास, बोला जाता है कि एवरेज हर एक आदमी के पास वहाँ कार है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, उसका लॉस एंजल्स एक ऐसा सिटी है कि जहाँ पर जितने लोगों की जनसंख्या नहीं उससे ज़्यादा उतना कार है वहाँ पर। तो समझ लो कि पर व्यक्ति के पास कितना कार होगा। कहने का मतलब हम ये समझा रहे हैं कि अमेरिका भी कंट्री जो है पूरे देश के कंपेयर में अकेले 25% वहाँ वो स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सेंड कर रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे संसाधन चलाए जा रहे हैं, व्हीकल जो साधन जो चल रहे हैं बहुत सारे हैं, इसीलिए। तो इसके लिए ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा उतना ही क्या जनरेट करेगा? हीटिंग इफेक्ट। और इस हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, एक फिनोमेना होती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा तो जो ग्लेशियर है, जो हिमालय माउंटेन है, वहाँ पर जो बर्फ जमा हुआ है, जो ग्लेशियर है, जो बर्फ के टुकड़े उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो ग्लेशियर पिघल कर इतना एक गर्मी पैदा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कि ये पिघल कर कहाँ जाकर मिलेंगे? समंदर में गिरेंगे। वो बर्फ जो आइस से मेल्ट होकर के वाटर में जब बनेगा तो वो समंदर में जा करके मिलेगा।
अब जाकर वो सी वाटर में मिलेगा, तो सी वाटर का जो लेवल होगा और बढ़ेगा, और जब उस समंदर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि टनों टन देखो तो ऐसा नहीं कि एक केजी टू केजी आइस पिघलेगा, एक टन दो टन हंड्रेड टन ऐसे पिघलता है वहाँ पर आइस। हिमालय माउंटेन ऐसा है कि वहाँ पर बहुत सारा आइस जमा है ना, तो वहीं जा कर पिघलेगा, पिघल कर जाकर जब समंदर में मिलेगा तो समंदर का जो सी वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जब सी वाटर का लेवल बढ़ेगा तो उसके आसपास जो तटीय जो उसके आसपास लोकेटेड जो कंट्री हैं वो डूबने के कगार पर आ जाएंगे। जैसे जापान, जापान एक ऐसा कंट्री है जो समंदर के बहुत पास है। ऐसा बताया जाता है कि आने वाले 40 साल तक अगर ऐसे ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ता गया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो आने वाले समय पूरा जापान ही डूब जाएगा, पूरा जापान डूब जाएगा, समंदर के अंदर चला जाएगा। ये फैक्ट्स है, सच्चाई है। तो सोचो कि मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है हम लोग के लिए। ग्रीन हाउस गैसें जो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 होते हैं, वो भी लिखवा देंगे कौन कौन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो कितना ये खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इनके कारण ही हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ग्लेशियर का पिघल करके पानी बन करके वाटर में सी वाटर में जाकर मिलना, तो इससे लेवल बढ़ेगा और जो आसपास की कंट्री है डूबने के कगार पर आ जाएंगे। और वैसे भी जापान एक ऐसा कंट्री है जो उसका बहुत सारा सिटी सुनामी लहरों के कारण आने से वो उसका जो सिटी है वो समुद्र के अंदर चला गया है, क्योंकि वहाँ पर जब सुनामी लहरें आती हैं तो वो बहुत ही पास है, वो पूरे कंट्री को, वो पूरे सिटी को ही, जो सिटी होता है उसी को डुबा कर लेकर चली जाती हैं। तो फुकुशिमा एक सिटी है जापान में जो पूरी तरह से समंदर में डूब गया है। जैसे यहाँ का समझ लो, जैसे मान लो आपके इंडिया में सिटी है, जैसे वाराणसी सिटी हो गया, तो बहुत सारी ऐसी सिटी हैं वो पूरा सिटी ही डूब गया है समझ लो समंदर में। तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं आने वाले फ्यूचर में अगर ये गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती गई। तो अब ध्यान समझिएगा, तो ये जो H2CO3 बनता है यही कराता है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन पढ़े होंगे कि एसिडिक रेन क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। एसिडिक रेन भी जैसे पहली बारिश में लोग कहते हैं कि पहली बारिश में आपको नहीं जाना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हो कि वहाँ पर पहली बारिश में छोटे छोटे आपके जो होते हैं फोड़े फुंसी निकल आते हैं बॉडी पर, तो बहुत ही क्या करते हैं लोग मना करते हैं कि पहली बारिश में स्नान मत करो, क्योंकि उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। एसिडिक रेन क्यों बोलते हैं ध्यान से समझिएगा। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेप, पानी तो बरसेगा ही, जब पानी बरसेगा तो उसको क्या मिल गया, H2O मिल गया। एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन भेज रहा है, हम लोग भेज रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब पानी जब बरसेगा तो H2O मिल करके क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। लेकिन ये जो एसिड होता है बहुत ही डाइल्यूट होता है, बहुत ही डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड क्या है, बहुत वीक एसिड है, स्ट्रांग एसिड नहीं है। तो ये जो एसिड हमारे बॉडी पर जो गिर रहा है ना, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एसिड क्या है। अब यहीं पर गिरता H2SO4, यही कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4 को तेजाब बोलते हैं, तेजाब। अगर ये गिरता हमारे बॉडी पर तो बॉडी की हालत क्या होती है आप खुद समझ सकते हो। लेकिन H2CO3 बनता है, और ये भी कैसा बनता है, डाइल्यूट बनता है, वो वीक एसिड है। मतलब हम लोग को समझ में ही नहीं आता है, अब हास ही नहीं होता है कि एसिडिक रेन है, मतलब एसिडिक जैसा ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ कुछ इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि देखो रिएक्शन कराओ तो देखो रिएक्शन में बन गया एसिड, मतलब कि वाटर ऊपर से गिर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है, दोनों ही एयर में रिएक्शन करके H2CO3 बना देते हैं, और जो कि एसिडिक रेन का कॉजेज होता है, कारण होता है, यही होता है रिएक्शन, यही एसिडिक रेन का कॉज है जो रिएक्शन लिखे हैं। तो देख सकते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। जितना आप जानकारी इकट्ठा कर सको आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो देख लो क्या आप समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, कैसे होगा, देखो अगर वाटर में डालोगे तो क्या बन गया, एसिडिक H2CO3 बन गया, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, लिखे ना कार्बोनिक एसिड। और यही एसिडिक रेन का कॉज भी होता है, लिटमस टेस्ट कराओगे तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, और ये बहुत डायल्यूट होता है, वीक एसिड होता है, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप ही जाओ पहले बारिश में आनंद लो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन हाउस गैस, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट को गर्म रखती हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये भी लिखवा देंगे कौन कौन होती हैं। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना ही मात्रा समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में तहलका मचा दिया है। अगर ये लगे बढ़ने तो समझ लो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगा, और आने वाले समय में पूरी दुनिया एक संकट में पड़ जाएगी। इसीलिए अब देख रहे हो कि बहुत सारी कारों में हाइड्रोजन से जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे मीथेन और एक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो
तो हम लोग जो अच्छी अच्छी कारें होती हैं उसमें नेचुरल गैस लोग ब्यूटेन का यूज करते हैं, वो बहुत उससे कम स्मोक निकलता ही नहीं समझ लो, मतलब कि। तो आने वाले समय में हम लोग का जो हाइड्रोजन है उसको फ्यूचर फ्यूल बोला गया है, क्योंकि अब ऐसी भी कारें आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही हैं। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे ऑटो रिक्शा आ गए हैं, कारें आ गई जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, बिजली से चल रही हैं। तो अगर ऐसा बन जाए तो बेटर है, तब तो स्मोक निकलेगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा ही नहीं। तो आने वाले समय में साइंटिस्टों ने यही प्लानिंग की है कि अब हम लोग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बना करके उसको हम लोग सिस्टम में यूज करेंगे जिसको हम चलाना है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से निकल नहीं पाएगा और एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन होगा। तो हाइड्रोजन को बोला गया फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन ही आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को संभालेगा, अच्छे से केयर करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से ही हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, यही साइंटिस्टों का दावा है। उसको फ्यूचर फ्यूल बोला गया है हाइड्रोजन को, क्योंकि उससे जब कोई भी आप यूज करोगे सिस्टम में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनने की संभावना नहीं रहता है। तो बस स्टूडेंट समझ गए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला इसका। ये तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको लिखो, ओके स्टूडेंट। देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन में, अभी पहला वही पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जिसमें ए बता दिए थे, अब बी लिखते हैं रिएक्शन। बी में क्या है, जैसे सल्फर को हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन में तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर है यहाँ पर, इसका स्टेट होता है सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, इसको जब ऑक्सीजन में जलाओगे तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बनता है। तो ध्यान से समझो, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड होगा तो अगर इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, यही SO2 जब वाटर में रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनता है H2, यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा, देखो H2 है तो ये जुड़ जाएगा H2SO3, सीधे यहाँ पर ये चीज़ जुड़ जाएगा, जैसे वहाँ पर क्या था CO2 प्लस H2 था, H2CO3 बन गया था। अब इसको बोलते हैं ये भी एसिडिक, ये एसिड हो गया, देख लो एसिड दे रहा है कि नहीं है वाटर में डालने के साथ, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देना कि हमें SO2 डिजॉल्व विथ वाटर देन इट सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये वीक एसिड होता है, ये डायल्यूट एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये वीक एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड ये कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है, और ये भी एसिडिक रेन का कॉजेज होता है, कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन, ये हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया, लेकिन ये सब इतने वीक होते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन। तो देख सकते हो, हाँ इसको ग्रीन हाउस गैस में नहीं बोलते हैं SO2 को, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसका भी टॉपिक भी नहीं है ग्रीन हाउस गैस का, लेकिन बता देंगे। देखिए ये बन गया, तो यहाँ पर भी देखो अगर लिटमस टेस्ट कराओगे तो ये तो पहला लिटमस टेस्ट में क्या देगा, ये भी तो एसिड है, तो इसका जब लिटमस टेस्ट कराएंगे तो ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस टर्न, ब्लू लिटमस टर्न रेड, ब्लू लिटमस को टर्न कर देगा किसमें, रेड में, क्योंकि ये एसिडिक है नेचर में। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब इसके बाद नोट में यहाँ पर लगा देंगे, नोट में इफ वी सप्लाई इनसफिशियंट इनसफिशियंट ऑफ एयर, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर, देन कार्बन रिएक्ट विथ, देन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में प्रेजेंट कौन है, ऑक्सीजन, टू फार्म CO, टू फार्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे देखो अब कार्बन को जब ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, यहाँ लिख दो इनसफिशियंट अमाउंट है, यहाँ ब्रैकेट में कर देना, मतलब एयर में इनसफिशियंट एयर मिल रही है इसको, तो इनसफिशियंट एयर मिलेगी तो अच्छे से बर्न नहीं करेगा, और जब अच्छे से नहीं बर्न करेगा तो ये यहाँ पर जो बनेगा अब CO2 नहीं बनेगा, CO बनेगा। बच्चों जैसा रिएक्शन मत कराना, जब C प्लस O2 यहाँ सफिशियंट एयर है तब बनता है CO2, अब यहाँ केवल CO बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और ये जहरीली गैस होती है, अधिक देर तक इसके संपर्क में रहोगे तो काम तमाम हो जाएगा, घुटन होने लगेगी, सफोकेशन, तो घुटन से डेथ भी हो सकती है, ये पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो ऐसा भी होता है ना कि देखो जाड़े के समय में लोग क्या करते हैं, कोयले को जला करके अच्छे से जलता भी नहीं है, वैसे हाफ रिएक्शन हुआ कोयले में, कोयले को जला कर लोग सो जाते हैं बंद करके कमरे में, तो वहाँ पर जो गैस बनती है क्योंकि अच्छे से तो बर्न कर नहीं रही है क्योंकि उसको एयर तो मिल नहीं रहा है, तो वैसे इनसफिशियंट एयर मिल रहा है तो वो बर्न कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन रही है उस समय, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसीलिए कमरे में अगर बंद हो आप अगर कोयला जला दिया कुछ भी जला दिए तो उसको इनसफिशियंट एयर मिल रहा है, पूरा एयर तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर बन जाएगी और जो कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा कर देगी और डेथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इनसफिशियंट एयर कहाँ मिलता है, जब आप किसी बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कहीं भी, अगर आप बाहरी खुले वातावरण में कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सफिशियंट एयर मिलेगा, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इससे आपको डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं, हाँ जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, बोलोगे कि ये भी तो न्यूट्रल, ये भी तो एसिडिक ऑक्साइड होगा, लेकिन नहीं, ये जो होता है जानकारी के लिए लिख लो ये कौन सा ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब कि अगर इसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करवाओगे तो न तो ये एसिडिक बताएगा, न तो ब्लू को रेड करेगा, न तो रेड को ब्लू करेगा, कोई इसमें चेंज ही नहीं लाएगा, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न तो एसिडिक है न तो बेसिक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। वैसे स्टूडेंट नॉन मेटल में ये नोट में हो गया पहला पॉइंट, और नोट में सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन भी तो है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन में ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन इसको हम नोट में अच्छे से लिखवा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान देना कि सफिशियंट एयर और इनसफिशियंट एयर का कितना फर्क पड़ रहा है, कि इसका यह फर्क है कि अगर इसको ये देते तो कार्बन मोनोऑक्साइड सफिशियंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सेकेंड देखो, अगर इसी कार्बन हाइड्रोजन को जब H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, H2 गैस है, ये भी गैस है, तो क्या बनता है, H2O बनता है, रिएक्शन तो बैलेंस कर ही लोगे, H2O लिक्विड बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये भी तो नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है, हाइड्रोजन देखो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड हो गया, लेकिन आप जानते हो कि H2O न्यूट्रल होता है, H2O का pH होता है 7, वैसे भी आप एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ चुके हो, तो ये कैसा ऑक्साइड हो गया, एसिड बेसिक की न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड है ये, तो आप पहले से पता है आपको, मतलब कि ये भी लिटमस टेस्ट में कोई चेंजेज नहीं लाएगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, रेड है तो रेड को रेड ही रखेगा, कोई चेंज नहीं, मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। तो कितने न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो नोट में तीसरा नोट लिख लो, इस दुनिया में केवल चार ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, केवल चार, पहला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया H2O, तीसरा हो गया N2O, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लिख लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल देना इसको, ऐसे भी याद रखोगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ही बोल सकते हैं, और NO होता है, NO बोलते हैं मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड। केवल चार ही ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, तो ये नॉन मेटल के चारों ऑक्साइड क्या होते हैं, वैसे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं लेकिन ये न्यूट्रल हैं सब, तो यही फोर आपके हैं न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, लिख देना यही फोर है। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं, मोनो मतलब क्या, एक होता है, तो मोनो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, तो मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन, तो दो, तो नाम क्या हो गया, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको तो जानते हो H2O को वाटर बोलते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो यही चार आपके होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, अच्छे से इसको याद रखना, ये चारों आपके होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड को इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, N2O, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और जानकारी के लिए बता दें कि ये लॉफिंग गैस है, इसी को ना बोलते हैं लॉफिंग गैस बोलते हैं इसको। अगर इसके संपर्क में आ जाओगे तो आप जो आपके अंदर गम दर्द है और तन्हाई में जी रहे थे, आप हंसने लगोगे, आपको बेवजह हंसी आएगी, ये लॉफिंग गैस है, मतलब कि अगर गुस्से में हो तो अगर इसकी छिड़काव में, अगर इसके संपर्क में कहीं भी आ गए या कहीं आप छिड़क देते हो तो लोग लगेंगे हंसने, इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं N2O को, जानकारी के लिए इसको भी याद रखना। तो हम लोग पढ़ लिए पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल से, पहला पढ़ लिया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कहने को तो बस अभी एक ही पढ़े, लेकिन इससे बहुत कुछ जानकारी आपको मिल रही होंगी। तो पहला पढ़ लिया, अब दूसरा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें किसके साथ पढ़े थे बताइए, वाटर के साथ पढ़े थे, तो यहाँ भी पढ़ेंगे वाटर के साथ। तो यहाँ पर लिख लो कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, तो रिएक्शन होता ही नहीं है,
लिक्विडिंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपका क्वेश्चन सेकंड जो है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। पहला क्या पढ़ लिए थे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब पढ़े हैं सेकंड वाटर के साथ। लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ तो रिएक्शन करते ही नहीं है। पूरा देखो यहाँ लिख दिए हैं, समझ लो, बस ये लिख लेना, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, जबकि मेटल्स, जैसे मैं एग्जांपल लें तो ये Na प्लस HCl, तो देखो मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते थे, NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकलता था, ये पता होगा, ये बता दिया गया था आपको। NaCl यहाँ बनता था, तो ऐसा क्यों होता था? देखो, क्योंकि Na पर क्या होता है प्लस, H पर क्या होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये एक, देखो रिएक्शन कब होता है, जब कोई एक स्पीसीज या कोई एक जो मेटल एलिमेंट्स है, एक लॉस करे और एक क्या करे, गेन करे। देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये लॉस कर रहा है तो ये गेन कर रहा है, तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर मेटल्स था, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस करने की। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं, खुद ही गेन करते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। अब बताओ नॉन मेटल्स कभी, क्योंकि हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं नॉन मेटल्स का, तो क्या नॉन मेटल्स कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा? नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा वो, उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन नॉन मेटल्स है, या ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स है, तो इसका करते तो 2.6, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर क्या, ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि ये मेटल्स इस हाइड्रोजन आयन वाटर के, यहाँ पर रिएक्शन विथ एसिड लिख दिए क्या, अच्छा रिएक्शन विथ वाटर लिख देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। वो यहाँ पर देखो Na था और प्लस क्या था, H2O था, तो Na प्लस H2O के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, NaOH और प्लस H2 बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था। अब बताए थे कि रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही वायलेंट होती है। तो इसमें रिएक्शन कैसे हुआ कि H2 में देखो H प्लस है और OH माइनस है, तो ये Na प्लस होता है, तो ये इससे रिएक्शन कर गया। देखो ध्यान से, तो इससे रिएक्शन करके, इसमें ध्यान से समझिएगा कि रिएक्शन करके क्या हुआ, रिएक्शन करके यहाँ पर जो NaOH बना है इसको रिड्यूस कर दिया ना, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके, मतलब क्या, इसको बाहर निकाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। क्योंकि ये मेटल्स था, ये लॉस किया तो ये OH क्या क्या माइनस है, तो इसको गेन किया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर देखो NaOH और H2 गैस बाहर निकल गया। लेकिन नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन कभी देंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो रिड्यूस हो ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन आयंस। जो वाटर का, ये जो वाटर का हाइड्रोजन आयंस है, वो हाइड्रोजन गैस को यहीं जाकर हाइड्रोजन गैस यहाँ बना रहा है। लेकिन नॉन मेटल्स में, जैसे मान लो हम यहाँ रिएक्शन ले लें, अब ऑक्सीजन है, O2 है और प्लस H2O है। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर H प्लस रहेगा, यहाँ पर OH माइनस रहेगा, और ऑक्सीजन पर खुद ही माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस माइनस से क्या रिएक्शन करेगा? क्योंकि अब खुद जानते हो कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों जाकर क्या करेगा, रिपल्सन होगा। तो कहाँ से होगा, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होने का मतलब क्या, ये लॉस किया, और माइनस मतलब ये गेन कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इसकी भी टेंडेंसी गेन करने की है, क्योंकि नॉन मेटल्स गेन करते हैं, और इसकी भी टेंडेंसी गेन करने की ही है। जब दोनों ही गेन करेंगे तो कोई रिएक्शन में ना तो एक्सेप्टर है ना डोनेटर है, तो कहाँ से पाएगा रिएक्शन। तो इसीलिए ये भी रीजन दे सकते हो कि इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो कहाँ से बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि अट्रैक्शन से प्रोडक्ट बनता है, ये प्लस ये माइनस है, तो जब ये बनेगा ही नहीं तो ये H प्लस कहाँ से बाहर निकल पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बनता है तभी H यहाँ से बाहर निकल पाता है। तो देख सकते हो कि कैसे इसको हमें डील कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे इसको हमें डील करना है। तो नॉन मेटल्स खुद ही क्या होते हैं, ये इनको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये रिएक्शन ही नहीं होगा कंप्लीट। जैसे ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ तो H2 बाहर निकल गया, लेकिन ये दोनों पर निगेटिव चार्ज है, तो इसको रिड्यूस करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, जब ये बनता तब ये बाहर निकलता। तो अब आप समझ गए होगे, कोई भी नॉन मेटल ले लो, ऑक्सीजन ले लिए, नाइट्रोजन ले लो, अगर हम बोले कि नाइट्रोजन का H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो कहाँ से हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन पर चार्ज 3- होता है, H2O को तोड़ लो H प्लस और OH माइनस में, तो देख लो इस पर ये निगेटिव, दोनों ही निगेटिव हो गए, कहाँ से करा लोगे रिएक्शन, देख लो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ही है, और प्रोडक्ट तब बनता है जब
कोई एक लॉस करे, गेन करे, तो जब ये रिएक्शन होगा ही नहीं तो एच बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो वही लिखें लॉजिक। अब पढ़ो ध्यान से कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। नॉन मेटल्स से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से 2.5, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर। तो ये वाटर का जो हाइड्रोजन आयन है इसको कहाँ से रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बनता है तब ये एच बाहर निकलता है। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो बस देख लो इसका रीजन भी लिख दिए। कहीं भी कभी भी नॉन मेटल्स का रिएक्शन अगर दे दे तुरंत लिख दो नो रिएक्शन। आंसर क्या लिख दोगे? नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं है। चाहे वाटर में आप ले लो कोल्ड वाटर या स्टीम वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको नोट कीजिए, ओके स्टूडेंट। देखिए अगला लिखे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जिस ऑर्डर में पढ़े थे मेटल का केमिकल रिएक्शन उसी ऑर्डर में इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। मेटल्स में क्या पढ़े थे? पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। देखो जो रीजन लिखे थे पिछले वाले में वाटर के साथ, वही रीजन यहाँ पर लिखे हैं, सेम टू सेम कॉपी कर दिए। बस अंतर यह है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पर हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। बिकॉज ये भी सब वही लिखे हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ, वहाँ वाटर था बस यहाँ एसिड कर दिए, बस यही अंतर किए और कुछ नहीं किए। वही रीजन, जैसे देखो सुनो, अगर पहले मेटल को लेकर समझो, अगर हम बोले मेटल Mg है तो Mg को HCl में डालोगे, एसिड है ना क्योंकि डाइल्यूट एसिड है, तो यानी डाइल्यूट एसिड, तो बनता है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस का बबल बनकर ऊपर जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास ये HCl है, तो इस HCl में जब Mg को डालोगे, ये HCl में जब Mg को डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनकर के ऊपर लगते हैं जाने, ये बबल्स ऊपर लगते हैं जाने, यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर Mg पर है 2+, H पर है प्लस, Cl पर है माइनस, तो देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा, और तब जाकर एच रिड्यूस होकर के एच बाहर निकलेगा। लेकिन नॉन मेटल में क्या करोगे? अगर हम बोल दें कि ये ऑक्सीजन है और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कहाँ से कर पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन में खुद ही 2- चार्ज है, ये एच पर प्लस है, Cl पर क्या है? माइनस है। तो क्या यहाँ होगा? कुछ तो नहीं होगा। अरे O पर 2- क्या इसे रिएक्शन करा लोगे? ये माइनस माइनस कहाँ से? जैसे वहाँ समझाए थे वैसे यहाँ पर है, दोनों का सेम चार्ज रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है नॉन मेटल्स को? दे ही नहीं सकता। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ये भी गेन करना चाहता है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो जब ये रिएक्शन होगा नहीं तो एच कहाँ से बाहर निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर नॉन मेटल्स डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो या सल्फर भी डाल दो, अगर मान लो यहाँ पर HCl में सल्फर को डाल दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस का बबल्स बनेगा ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो कि अगर इस HCl में सल्फर को डाल दें तो यहाँ पर कोई बबल्स नहीं बनेगा, जबकि यहाँ बबल्स लगेगा बनने। तो समझ जाना कि जब यहाँ बबल्स बन रहा है तो यहाँ पर H2 गैस बाहर निकल रही है क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई नॉन मेटल्स अगर डाल देते हो तो यहाँ बबल्स नहीं बनेगा। इसका मतलब साफ है कि नो रिएक्शन। रिएक्शन होगा तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, यहाँ निकलता ही नहीं हाइड्रोजन गैस बाहर। तो समझ गए, बहुत आसान है करना। वही रीजन लिखे हैं क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? गेन करने का। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो रिएक्शन कहाँ से डन हो ही नहीं पाएगा। तो देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना। इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अगला क्या है। बोला गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। जैसे मेटल्स पे पढ़े थे वैसे उसी बारे में चल रहे हैं। तो यहाँ फोर्थ क्या हो गया? नॉन मेटल का रिएक्शन साल्ट सॉल्यूशन। देखो NaBr क्या है? साल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल्स। तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है। Na पर प्लस होता है, Br पर माइनस, Cl क्लोरीन पर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर मिल गया ना प्लस माइनस, तो NaCl बन जाएगा और Br बाहर चला जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो बैलेंस इसमें ऑलरेडी है, रिएक्शन रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी है। तो ऐसे ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो। वैसे तमाम तरह के रिएक्शन यहाँ पर करा सकते हो। अगर हम बोले कि यहाँ पर क्या है 2Na और भी कोई ले लो साल्ट सॉल्यूशन, अगर बोल देंगे 2Na2SO4 है और प्लस यहाँ पर क्या है Cl2 है, तो देखो कैसे रिएक्शन कराओगे? बस सोडियम सल्फेट और Cl2 है तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बताइए? Na2SO4 को नहीं लेते हैं और 2Na2NaI लेते हैं, सोडियम आयोडाइड बन गया। तो देखिए सोडियम आयोडाइड इसको बोलते हैं। तो Na पर यहाँ प्लस है
और आई पर क्या है माइनस है, यहाँ सी एल पर कितना का प्लस, तो ये देखिए इसके साथ आ गया तो क्या बन जाएगा एन ए सी एल बन जाएगा, और यहाँ से जब आई बाहर निकलेगा तो आई टू के फार्म में, क्योंकि आयोडीन आई टू के फार्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन सी एल टू के फार्म में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन बी आर टू के फार्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इसको याद भी कर सकते हो, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसको हैलोजन बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं हैलोजन। पढ़ोगे प्रेडिक्टेबल में बाद में तो आपको समझ में आएगा, आपके क्लास में ही दिया है, हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं। ब्रोमीन जो लिक्विड होता है स्टूडेंट, ये बहुत ख़तरनाक होता है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ख़तरनाक जो होता है ये ब्रोमीन ही होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ख़तरनाक लिक्विड होता है। अगर ये आपके बोन पर कहीं पड़ जाए तो आपका बोन जो है उसको भी पिघला सकता है, इतना होता है ब्रोमीन, इतना इनफ्लेमेबल होता है कि ये आपकी बोन को ही पिघला सकता है, बहुत ख़तरनाक है समझ लो, जहाँ पर गिर जाएगा वहाँ पर होल कर देगा ये, इसके जैसा कोई ख़तरनाक लिक्विड नहीं है, तेजाब भी नहीं है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हो ये उससे भी ख़तरनाक है, इसीलिए लैब में इसको रखा ही नहीं जाता है। जहाँ पर हाई प्रोफाइल लैब है, जहाँ कॉलेजेज हैं, जहाँ पर लोग छोटे बच्चों के बीच में स्कूलों में इसको रखा ही नहीं जाता है ब्रोमीन को। तो ये F2 के फार्म में एग्जिस्ट करता है, इसके Br2 के फार्म में, I2 के फार्म में, तो चारों का यही स्टेट है, नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया NS सोडियम क्लोराइड और I2 बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन इनमें से कोई इसी एक को याद रखना, इसका ज़्यादा रोल नहीं है अभी आपके सिलेबस में, ना रिएक्शन उतना दिया है, बस एक दो एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसको आप याद रखना बस। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, पांचवा रिएक्शन क्या था उसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन था, तो यहाँ पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन विथ सी एल टू क्लोरीन के साथ, तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे। तो इसको याद रखना स्टूडेंट, कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक भी याद करने का, आयोडीन और इसके था नाम था एटी, था यहाँ पर एटी, देखो फिर कल बाहर आई आंटी, इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद लोग कर लेते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी फिर कल बाहर आई, तो आंटी यहाँ पर ये ट्रिक है याद करने का, ऐसे बनाया गया कि बच्चे याद कर लेंगे भूलेंगे नहीं। लेकिन इन्हीं चारों को बस हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप में, मतलब हैलोजन का एक गैस, ये लिक्विड है और ये दोनों जो है ये जो स्टार्टिंग जो ऊपर है, समझो ध्यान से इसमें नेचर क्या है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, बताया था ना कि आयोडीन जो होता है ये नॉन मेटल्स है लेकिन लस्टरस के ये इसमें चमक होती है, लस्टरस होता है ये, तो ये सॉलिड होता है लिक्विड, और ये फ्लोरीन क्लोरीन ये होती है गैसें, ये गैस होती हैं। तो तीनों को देख लो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये एटी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एस्टेटिन बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अभी इसके बारे में जानकारी बाद में लेना, पहले याद कर लो ये एस्टेटिन बोलते हैं एटी को, एस्टेटिन बोलते हैं, ये भी एलिमेंट है, ये मेटल्स है आपका। तो फिर कल बाहर आई आंटी से याद कर लेना इसको, तो ये एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू ये लिक्विड के फार्म में है, ये दोनों आपके गैस के फार्म में होते हैं, और ये होता है सॉलिड के फार्म में आयोडीन, हाँ ये होता है वोलेटाइल होता है लिक्विड, आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड होता है, ये वोलेटाइल सॉलिड होता है, मतलब इसका सब्लिमेशन हो जाता है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब्लाइम हो जाएगा, मतलब सॉलिड से सीधे कहाँ कन्वर्ट होगा, गैस में हो जाएगा, इसीलिए ये सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, कोई भी नॉन मेटल्स का रिएक्शन बोलिए, जैसे मान लो हम बोले एच टू गैस है, हाइड्रोजन गैस है और प्लस सी एल टू गैस है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, देख लो हाइड्रोजन प्लस होता है, इस पर माइनस हो जाता है, बन जाएगा एस सी एल टू एस सी एल, रिएक्शन बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। लेकिन याद रखना एस सी एल के नीचे यहाँ पर लिखा है जी, तो इसका मतलब समझ जाना कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यहाँ ही बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो जब भी एस सी एल के नीचे एल लिखा जाए लिक्विड के फॉर्म में तो समझ जाना ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब जी लिखा जाए तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो उसका फिजिकल स्टेट देख करके कि नीचे क्या लिखा गया हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड है गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसका नाम है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो क्या करेंगे, देखो एच टू प्लस सी एल टू क्या बन गया, और ये जो बनता है ये आयनिक नहीं होता, याद रखना कि नॉन मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं ये जनरली लिखे गए यहाँ पर क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर लिक्विड आर गैसेस,
इन नेचर, या तो नेचर में ये लिक्विड के फॉर्म में पाई जाएंगी या तो गैस के फॉर्म में पाई जाएंगी, और मोस्टली गैस के ही फॉर्म में पाई जाती हैं। तो देखो क्लोराइड ऑफ नॉन मेटल्स, तो हाइड्रोजन क्लोराइड से तो नेचर में क्या पाया गया, गैस के फॉर्म में पाया गया। लेकिन मेटल के जो क्लोराइड थे, मेटल के क्लोराइड नेचर में सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे देखो Na+Cl2, तो Na+Cl2 लोग बनाए थे उन लोग, तो यहाँ पर 2 NaCl बन गया था। तो 2 NaCl ये होता है कॉमन साल्ट का फार्मूला। ये देखो ये जो क्लोराइड बना मेटल्स का, ये साल्ट का फार्मूला जो घर में आप साल्ट खाते हो, तो बताओ ये कैसा होता है साल्ट, नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो इसीलिए जो आयनिक क्लोराइड होंगे, जो मतलब कि जो मेटल के क्लोराइड होंगे, वो नेचर में कैसे होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं मेटल के क्लोराइड, और नॉन मेटल के क्लोराइड लिक्विड या तो गैस की स्टेट में पाए जाते हैं। जानकारी के लिए याद रखना, ऐसे इसको नोट समझते हैं। और भी रिएक्शन करा सकते हो नॉन मेटल के क्लोराइड्स का, जैसे फास्फोरस का एक रिएक्शन आता है, इसको हटा देते हैं। इसमें ए हो गया, पांचवे में ए पढ़ लिए, पांचवे में बी पढ़ लेते हैं रिएक्शन एक और, P4+Cl2, तो यहाँ बन जाता है बनाओ रिएक्शन क्रिस क्रॉस से फास्ट। ये P4 फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे पढ़े हो कि ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन F2 में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, तो फास्फोरस का जो फिजिकल जो नेचर में स्टेट है वो फ्री स्टेट P4 है। इसको व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस तीन तरीके का होता है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस व्हाइट फास्फोरस इसको याद रखना। ये आपके बुक में रिएक्शन दिया है इसलिए बता रहे हैं। P4+Cl2 बताओ क्या बनेगा। तो देखो फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस से बनाओगे तो क्या बनेगा, PCl3 बनेगा। बस बन गया मेन प्रोडक्ट पर, यही है रिएक्शन। जहां तक बैलेंस करने की बात है तो रिएक्शन तो बैलेंस कर ही लोगे। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 6 से कर दो मल्टीप्लाई। देखो 6 या कितना जाएगा 12, तो यहाँ 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 या 12, और 4 फास्फोरस यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 यहाँ पर क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से देख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट बन गया। और ये नेचर में स्टूडेंट होता है लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि हम बताए हैं कि नॉन मेटल के क्लोराइड या तो गैसियस फॉर्म में होंगे या तो लिक्विड के फॉर्म में होंगे। तो दो रिएक्शन इसका भी याद रखना जानकारी के लिए। तो देख सकते हो कि किस तरह से प्रोडक्ट बना, बहुत आसान है बनाना, रिएक्शन तो बैलेंस कर ही सकते हैं। अब इसमें एक बच जाता है लास्ट, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देख लेते हैं उसको। तो ओके स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, इसमें भी देख लो कोई भी नॉन मेटल्स बोलो जिसका हम लोग रिएक्शन लिखे, जिससे बोल दे सल्फर प्लस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, जैसे सल्फर प्लस H2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। देखो सल्फर का करा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत आसान है बनाना, कैसे बनाए, क्रिस क्रॉस मेथड से बना सकते हो। बहुत ऐसी रिएक्शन होती हैं जो क्रिस क्रॉस से नहीं भी होती हैं, तो 90% रिएक्शन समझ लो क्रिस क्रॉस से हो जाएंगी। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोजन कितनी होती है 1, तो यहाँ से बना लो तो देख लो H2S बनेगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर करना बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। और भी कुछ रिएक्शन लिख लो जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे N2+3H2 बोल दें, N2+H2 नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करता है यहाँ, तो क्या बनता है बताइए, अमोनिया गैस, NH3 गैस बनता है, अमोनिया। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड्स बन गया अमोनिया गैस। तो देख सकते हो कितना करना आसान है, इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि रिएक्शन कैसे बना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस से बना लो, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 2 H2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया बैलेंस। लेकिन ये रिएक्शन Fe के प्रेजेंस में कराया जाता है। Fe क्या है, तो Fe जो है यहाँ पर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं बताइए, इंक्रीज कर दें। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। कहने का मतलब कि रिएक्शन बहुत धीमे धीमे हो रही थी, उसको क्या कर दे, बढ़ा दे, रिएक्शन को जल्दी करा दे। तो रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर सकता है। तो रिएक्शन की रफ्तार को तेज करके वहाँ से काम करके चला जाएगा। ये कहाँ देखो, इसमें कहीं Fe बना, कहीं नहीं बना, बस ये रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि Fe यहाँ बन जाएगा, Fe का कोई कंपाउंड बनेगा, Fe से रिएक्शन कर लेगा, नहीं। अगर रिएक्शन करता था तो यहाँ बन ही जाता। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं विच कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बट द रेट ऑफ रिएक्शन
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर मान लो रिएक्शन बहुत तेजी से बन जा रही है, हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं स्टेप को, तो वैसे रिएक्शन में ऐसे कैटरिस्ट को डाल देते हैं जहाँ पर रिएक्शन हमें धीमे धीमे चाहिए। लेकिन किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट आपको बनाना है, अब बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करना है मार्केट में, तो वहाँ पर स्टूडेंट आपको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो ऐसे कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ी से बढ़ा दे। तो ये बात होती है। तो रिएक्शन की जैसे मान लो वहीं आपको एग्जांपल एक बात दिया था कि आप कहीं जा रहे हो, स्कूल ही जा रहे हो अपने पढ़ने, और पैदल जा रहे हो और लेट हो रहा है, पहुँचना है 9 बजे और टाइम बहुत लेट हो रहा है, आप लेट से पहुँचोगे ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप पैदल चल रहे हो, तो कोई अगर आ गया बाइक पर, तो बाइक से अगर कोई आ जाता है तो अगर आपको बैठा कर लेकर चला गया तो आपका जो रिएक्शन धीमे धीमे हो रहा था, जो पैदल आप चल रहे थे वो रिएक्शन बहुत तेज हो गया, तो क्या अब तो आप वहाँ पहुँच गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो जो बाइक वाला गया था आपको छोड़ने वहाँ पर स्कूल पर, क्या वो भी वहीं पर रहेगा? नहीं, वो तो वापस चला जाएगा ना, वो तो अपना काम कर दिया कैटलिस्ट काम करके वहाँ से वापस चला जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा करके वापस चला जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल कैटलिस्ट का है, जिसे पढ़ोगे ये स्टूडेंट पर ये देख लो, यहाँ पर एक जानकारी के लिए आपको बता दें, जानकारी के लिए कि 2KCl3 बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो बनता है 2KCl+3O2 बनता है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बन रही है, ये ऑक्सीजन गैस को हम लोग जब भी आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी होती है तो इसी रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं। अब मान लो कोई पेशेंट है जो कि मरने वाला है, उसको ऑक्सीजन तुरंत चाहिए, अब ऑक्सीजन उसको 20 मिनट में ही चाहिए और ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, अब लैब में, अब अस्पताल के बगल में लैब है, वहाँ पर बोला गया कि जल्दी ऑक्सीजन बनाओ, अगर यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं मिलाओगे तो इस ऑक्सीजन को बनने में लग जाता है 3.5 घंटा, मतलब 3.3 3.5 घंटा लग जाएगा, 3.5 से 4 घंटा लग सकता है विदाउट कैटलिस्ट, तब तक तो वो डेथ कर जाएगा, मर जाएगा, उसके पास 20 मिनट का ही समय है, वो जिंदगी और मौत का जो फासला है केवल 20 मिनट का ही है, इसमें गेम उसका बच जाएगा, और जल्दी उसको चाहिए 20 मिनट से पहले। तो अब इसमें क्या करेंगे, MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एक कैटलिस्ट होता है, इस रिएक्शन में यही यूज किया जाता है, और इसका जैसे यूज करोगे ये रिएक्शन जो 3.5 घंटा में हो रही थी मात्र 15 मिनट में हो जाएगी कंप्लीट, और ऑक्सीजन आपका बन जाएगा, सिलेंडर में पैक करोगे, पैक करके हॉस्पिटल में पहुंचा दोगे, और जो रोगी मौत और जिंदगी से लड़ रहा था उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो ये कैटलिस्ट कमाल की चीज़ होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से काम कर देंगे आपका। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर एफी किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट को, रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है और जल्दी रिएक्शन हो जा रही है। तो समझ सकते हैं स्टूडेंट की बहुत आसान है करना, वैसे तमाम तरीके रिएक्शन कराओ, नॉन मेटल का रिएक्शन देखो हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन के साथ, तो आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, हाइड्रोजन की 1 क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा मेथेन। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, बस डन हो गया, समाप्त। ये मेथेन गैस है, आप जानते हो इसको LPG में यूज करते हैं, गैस सिलेंडर में, जहाँ पर लोग घरों में LPG सिलेंडर में यूज करते हो, जिससे भोजन बनता है आपका, तो फिनिश हो गया। रिएक्शन ऑफ नॉन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में 6 केमिकल प्रॉपर्टी इसमें पढ़ाए और 6 केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स में पढ़ाए थे, तो जो जो हेडिंग मेटल्स में पढ़े थे वही हेडिंग इसमें भी पढ़े थे, लेकिन इसमें आप देखे थे कि रिएक्शन ऑफ डायल्यूट एसिड और रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ केमिकल प्रॉपर्टी, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा था नॉन मेटल के साथ, उसका रीजन भी समझा दिया आपको, और बस डन हो गया। अब इसके बाद एक लेक्चर और हो सकता है, एक या दो हो सकता है, अगर एक लेक्चर होगा तो वहीं बड़ा होगा, 1 घंटे का होगा, नहीं तो 40-30 मिनट का 2 लेक्चर बनाएंगे और फिनिश हो जाएगा आपका इस चैप्टर अच्छे से। केमिकल बाइंडिंग बस बचता है इस चैप्टर में, लेकिन ये मेन पार्ट आपका समाप्त कर दिए, और वो भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाएंगे, 1-2 पार्ट और हो सकता है कि बनाए इसमें, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, और आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना, और हाँ आप लोग जरूर अगर समझ में आता है तो आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं, आप जहाँ कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ अगर आपके फ्रेंड्स मिलते हैं तो वहाँ बताइए, बच्चों को शेयर कीजिए कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैथ और साइंस बहुत आसान हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, वो वीडियो लेक्चर को शुरू से देखें, कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, देखो आपको A to Z समझ में आएगा। तो ज़रूर आप वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें जिससे कि और लोग जुड़ सकें, आप लोग जरूर कीजिए शेयर इसको, और अच्छे से इसको करो, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।